तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 सेलिंग कार्स मई 2020, क्योंकि अभी तक उससे पहले अप्रैल मंथ में लॉकडाउन चल रहा था, कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा था, तो उसकी वजह से कोई भी कार बाइक या कुछ भी सेलिंग नहीं हुई, क्योंकि लोग पूरे टाइम घर में थे, बाहर अलाउड नहीं था कुछ। तो मई से थोड़ा मार्केट ओपन हुआ, लोग बाहर आने जाने शुरू हुआ, तो तब से और मई मंथ में गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग भी चालू हुआ। होंडा ने किया तो, और टाटा महिंद्रा, तो इन लोगों ने अपना प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया है। तो उसके बेसिस पे हुंडई का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हुआ है, तो उसके बेसिस पे इनको काफ़ी सारी इंक्वायरियाँ जनरेट हुई। तो अभी लगभग 30 या 40% शोरूम्स ऑल सिटी में, मतलब अक्रॉस इंडिया स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं और आगे बताते हैं आपको नंबर वाइज। तो टॉप 10 के अंदर जगह बनाई है 10वें नंबर पे महिंद्रा की XUV 300 ने, जो जिसने मई मंथ में टोटल यूनिट बेचे हैं 1,257। बहुत अच्छी गाड़ी होने के बावजूद भी, मतलब इतना फिगर इसको नहीं मिल पाता, इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग के साथ में आती है, इन फीचर्स भी बहुत जबरदस्त फीचर्स दिए हैं इन। इसकी प्राइस भी मतलब कुछ, मतलब कंपटीटर से थोड़ी ज़्यादा है, शायद इस वजह से इसका इसका बेनिफिट दूसरी कंपनियों को मिल जाता है, लाइक है नेक्सोन है या ब्रेजा है, तो इस वजह से इसका थोड़ा डाउन होता है। पर मई मंथ में इसने काफ़ी अच्छा किया है, टॉप 10 के अंदर आ गई है। 9th नंबर पे आती है टाटा की एल्ट्रॉन, जिसने मई मंथ में यूनिट्स बेचे हैं 1,359। ये गाड़ी भी 5 स्टार रेटिंग्स के साथ आती है, प्रीमियम हैचबैक है, इसका डायरेक्ट कम्पीट होता है i20 से। बहुत अच्छी गाड़ी है और इसके भी फिगर्स उतने, अभी तो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, पर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा अप डाउन चलता रहता है, पर इसके फिगर्स भी अच्छे आ रहे हैं और ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं मारुति की ऑल्टो के बारे में। तो इसने मई मंथ में यूनिट सेल किए हैं 1,506, काफ़ी अच्छा फिगर मतलब अचीव किया है इतने 1 मंथ में। पर मारुति की तरफ से ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमेशा ही टॉप 10 सेलिंग कार में रहा है। तो अब हम बात करते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे जो गाड़ी आती है वो भी मारुति की तरफ से है, जो है मारुति वालेनो, जिसने मई मंथ में फिगर अचीव किए हैं 1,587 यूनिट्स मई मंथ में इसने सेल किए हैं। ये गाड़ी भी दोनों वेरियंट्स में आती है, पेट्रोल और डीजल। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में आती है, सीवीटी ट्रांसमिशन भी इसमें अवेलेबल है, पर अभी डिसकंटिन्यू 2020 से इसने बलेनो ने डीजल वेरिएंट डिसकंटिन्यू कर दिया, अभी सिर्फ इसमें पेट्रोल वेरिएंट ही आता है। और 6 नंबर पे आता है किया सेल्टोस, जो नई गाड़ी है, अभी जनवरी में आई लॉन्च हुआ इंडिया में, काफ़ी अच्छा काम कर रही है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, जो पेट्रोल और डीजल दोनों वेरियंट्स में अवेलेबल है। इसने मई मंथ में सेलिंग की है 1,611 यूनिट्स, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और अब 5वें नंबर पे बात करते हैं मारुति इको। मारुति इको ने मई मंथ में यूनिट सेल किए 1,617 यूनिट्स। तो इस सेगमेंट में ये अकेली ऐसी गाड़ी है जिस जहाँ इसका कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है, और मैं मतलब शौक में हूँ कि इस सेगमेंट में कोई आता क्यों नहीं है, मारुति के अलावा यहाँ पे कोई दिखता ही नहीं। इको के अलावा पहले ओमनी थी एंड अभी इको, इस सेगमेंट में किसी को उतरना चाहिए अदर कंपटीशन को। तो अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे आती है महिंद्रा बोलेरो। महिंद्रा बोलेरो ने मई मंथ में यूनिट सेल किए हैं 1,715 यूनिट्स। ये गाड़ी भी अच्छी है, पर फीचर्स की कमी की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। पर अभी भी लोग थोड़ा रूरल एरिया में उस साइड में इसकी डिमांड बहुत हाई रहती है, क्योंकि बड़ी फैमिलीज होते हैं और एक साथ में उन लोगों को कहीं जाना होता है वगैरह, रोड से इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे गाड़ियाँ ये ऐसी गाड़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब बात करते हैं हम 3rd नंबर पर जो आती है मारुति डिजायर। ये गाड़ी हमेशा ही बहुत अच्छा इसने रिस्पॉन्स किया है मारुति की तरफ से, हमेशा ही 1st एंड 2nd नंबर पे रही है, पर इस बार वे मई मंथ में 3rd नंबर पे इसने आई है। इसने टोटल यूनिट सेल किए हैं 2,215 यूनिट्स। ये गाड़ी भी पेट्रोल में अवेलेबल है, इसका भी डीजल बंद कर दिया है मारुति ने, जो 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ में आती है। तो अभी हम बात करते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे भी मारुति की गाड़ी है, जो है अर्टिगा।
अर्टिगा काफ़ी अच्छा कर रही है, जो जब से न्यू आई है VS6, जब से इसका अपडेट आया है इन XL6, बहुत अच्छा कर रही है मार्केट में। मई मंथ में यूनिट सेल किए हैं 2353। ये गाड़ी भी ओनली पेट्रोल और CNG में अवेलेबल है, इसका भी डीजल वेरिएंट नहीं आता है। अगर डीजल वेरिएंट इसमें अवेलेबल होता तो शायद थोड़ा और बेनिफिट मारुति को इस प्रोडक्ट से मिलता, क्योंकि तो बड़ी बड़ी गाड़ी है, हैवी गाड़ी है, तो लोग पेट्रोल की वजह से ज़्यादा प्रिफर नहीं करते हैं बड़ी गाड़ियों को, तो इसकी भी सेल्स अच्छी रही है। अब बात करते हैं नंबर वन पे एक ऐसी गाड़ी है जिसकी एक्सपेक्टेशन कभी नहीं किसी ने की थी कि इतनी महंगी गाड़ी कभी नंबर वन पे मतलब आ सकती है, तो वो है हुंडई क्रेटा। एक्चुअली ये गाड़ी जैसे ही मार्च में लॉन्च हुई थी उसके एक्चुअली बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, फिर भी लॉकडाउन होने के बाद भी इस गाड़ी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जबरदस्त, मतलब कि अभी वेटिंग नहीं चल रहा है इवन अभी तक। तो इसने मई मंथ में यूनिट सेल किए हैं 3212। ये गाड़ी भी पेट्रोल डीजल दोनों में ही अवेलेबल है और ऑटोमेटिक सब भी सनरूफ, इसमें लॉट्स ऑफ फीचर्स भरे भरे पड़े हैं, मतलब बहुत जबरदस्त गाड़ी, और पैकेज भी मतलब अच्छा है, इतना हाई लेवल पे भी नहीं है अदर अदर कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से, गाड़ी भी बहुत जबरदस्त बनाई है। तो ये था हमारा सेशन आज का, टॉप 10 सेलिंग कार्स इन में, जो इंडिया अक्रॉस इंडिया में टॉप 10 नंबर पे रही हैं। तो फिगर्स देख के काफ़ी अच्छा लगा कि इंडियन कार मेकर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, टाटा एंड महिंद्रा जो उनकी टॉप 10 सेलिंग कार्स में कंटिन्यूस मतलब बढ़ते जा रही है, सेलिंग्स भी अच्छी हो रही है, इन्हें अच्छा काम कर रही है, तो थोड़ा अंदर से अच्छा लगता है कि हम लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे इंडियन ब्रांड्स भी। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।